जिला कांगड़ा के कांगड़ा किले में दुनिया के सबसे प्राचीन राज परिवार के वंशज का राज्य अभिषेक 30 मार्च को कांगड़ा के किले के अंदर आयोजित किया जाएगा। दुनिया के सबसे प्राचीन राज परिवार कांगड़ा तिरगत के टीका राज ऐश्वर्य चंद कटोच का राज्य अभिषेक कांगड़ा के ऐतिहासिक किला में होने जा रहा है, जिसमें प्रदेश के सभी राज परिवार हिस्सा लेंगे। साथ ही उनके ननिहाल जोधपुर व राजस्थान से भी राज परिवार के सभी वंशज इस राज्य अभिषेक में हिस्सा लेंगे। राम नवमी के दिन 30 मार्च को ऐश्वर्य कटोच का राज्य अभिषेक होना है। कटोच राजाओं की कुलदेवी अंबिका माता का मंदिर किले के अंदर है, उसी पवित्र स्थान पर राज अभिषेक का कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। ये जानकारी धर्मशाला में कांगड़ा कला एवं साहित्य संरक्षक राघव गुलेरिया ने दी है। उन्होंने बताया कि इस राज्य अभिषेक को लेकर अभी से सभी तैयारियों को अमली जामा पहनाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। वहीं कांगड़ा किले को भी रंग बिरंगी लाइटों से सजाने का कार्य किया जा रहा है। इसी के साथ इस कार्यक्रम में राजस्थान व जोधपुर से राज्य इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। इसको लेकर भी खास इंतजाम कांगड़ा किले में किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये सभी कार्य 29 मार्च तक पूरे कर लिए जाएंगे। इसी को लेकर राघव गुलेरिया कांगड़ा कला एवं साहित्य संरक्षक क्या कुछ कहते हैं वो आप सुनो। मार्च की 30 तारीख को जो है रामनवमी वाले दिन कांगड़ा किला में कांगड़ा त्रिगर्थ जो दुनिया का सबसे प्राचीनतम राज परिवार है, हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि उनके जो टिका राज हैं ऐश्वर्य चंद कटोच जी, उनका राज्याभिषेक कांगड़ा किला में 30 मार्च को होने जा रहा है। इस क्रम में शिरकत करने के लिए हिमाचल के तो जो पहाड़ी राजा हैं उनमें से काफ़ी उनके वंशज शरीक होंगे, लेकिन क्योंकि आपको पता है ऐश्वर्या जी का ननिहाल जो है महाराजा गद सिंह हैं, इनके जो मामा हैं, तो जोधपुर की बड़ी रियासत से और राजस्थान से भी बहुत सारे जो है राज परिवार के लोग जो कला और साहित्य के बहुत ज़बरदस्त प्रेमी रहे हैं, उनका भी शिरकत करने का इसमें कार्यक्रम है। जैसा कि आपको विदित है कि कटोच राजाओं की कुल देवी माता अंबिका का मंदिर भी बीच किले में ही स्थापित है, तो उन्हीं के आशीर्वाद तो इसका उसी के आसपास उन्हीं के आशीर्वाद के साथ उसी प्रांगण में जो है ये राज्याभिषेक तय है।